आज में सिर्फ और नए मांगा का चैप्टर 45 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलिए अब ज्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सीन चलाया था डीमन आर्मी की कैपिटल की तरफ, जहाँ पर शानगुई आई जाती है एक प्रिजन के अंदर, जो कि मिसुआ की बड़ी बहन होती है। तो प्रिजन के अंदर वो जाकर देखती है कि प्रिजन में शिनिया बैठा हुआ रहता है, और शिनिया बोलता है कि अच्छा तुम, और शिनिया स्माइल करता है, और तभी आवी बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। तभी शिनिया बोलता है कि हाँ की तो क्या कुत्ते, तभी आवी बोलता है हाँ मैं कुत्ता हूँ लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज तो है। तभी शिनिया बोलता है ये सब बात साइड में रख के क्यों ना इस जेल की दरवाजे को खोलो, मैं भागूंगा नहीं, तुम्हें पता ही है मैं भाग नहीं सकता, हम दोनों हाई स्कूल में क्लासमेट भी थे, तो तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है। तभी आवी बोलते हैं नहीं। तभी शिनिया बोलता है कि लेकिन तुम्हारा कॉन्शियसनेस में थोड़ा तो दिक्कत आया होगा। खैर तुम लोग कितने सारे ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, उनमें से तुम्हारे कितने सारे क्लासमेट भी थे लेकिन तुमने थोड़ा भी हमदर्दी नहीं है। तभी आवी बोलती है कि तुम मैं घिरेगा नहीं हो, तो फिर थोड़ा अपने हाउस होल्ड की तरह बिहेव करना भी सीखो। तभी शिनिया बोलता है कि मैं बस एक फॉस्टर चाइल्ड हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तुम्हारा लॉयलिटी देख कर तो लग रहा है वो पर तुम किसी से भी डरते नहीं हो। तभी आवी बोलती है कि हाँ। तभी शिनिया बोले तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा छोटी बहन मिसु के ऊपर अगर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करे क्या तुम तब भी चुप बैठोगे? तभी आवी बोलती है कि मेरे फैमिली में वैसे ही लोगों की कोई इज्जत नहीं है जो मिलिट्री से भाग जाते। ये सुनकर शिनिया बोलता है कि हाँ एक्सपेक्टेड था तुम यही बोलोगे, वैसे उस मैसेज के बारे में क्या है मैं सुनना भी नहीं चाहता। तभी आवी बोलती है कि लॉर्ड क्री तो काफ़ी जल्दी वापस आने वाला है, यही मैसेज है, और हाँ। तभी शिनिया बोलता है कि रुक जाओ शट अप, मुझे सुनना ही नहीं है। तभी आवी बोलती है कि ठीक है लेकिन मैं और एक बात बोलना भूल गई, करेन भी आ रहा है। और ये सुनकर शिनिया थोड़ा चुप हो जाता है। और तभी सीन मिसू के पास चला जाता है, जब मिसू हवा में होती है और मिसू कुछ पता नहीं होता, वो अचानक से हवा में कैसे आ गई, वो देखती है कि उसे कोई चोट भी नहीं लगा। तभी फिर असना से क्रॉली आ जाता है, उसे हाथ पकड़ लेती है और उसके मुँह से खून आ जाता है। और ये देख के बाकी सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं। और तभी क्रोली रुक जाता है, क्रोली बोलते हैं ओ हम लोग फिर से मिल गए। और तभी नारायण बोलते हैं मी चैन। तभी शिनिया बोलती है कि आप क्या करें। और तभी यूचिरो बोलता है ये ऑब्वियस है, हम लोग अपने कॉमरेड्स की मदद करेंगे। और यूचिरो फायर करता है, हालांकि उस फायर को बड़े ही आराम से क्रोली रोक देता है, बोलते हैं कि तुमने ऐसे ही फायर पहले भी किया था, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे। तभी क्रोली बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है कि अगर तुम लोग फाइट करना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों से फाइट करना जरूर चाहूंगा, वैसे तब तक जब तक फायर नहीं आया था। तभी ये सब देखकर मिसु क्रोली का पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम लोग इससे फाइट नहीं कर पाओगे, तुम लोग भाग जाओ मुझे यहाँ पर छोड़ के। और यूचिरो नहीं सुनता, यूचिरो और भी पावर एब्जॉर्ब करके अपने टीमन से हमला करता है क्रोली की तरफ। फिर किमिजुकी भी हमला करने जाता है। और तभी नाना भी बोलता है कि हमारे पास कोई प्लान है। तभी शिनोहा बोलती है कोई प्लान नहीं है लेकिन हम उसे ज्यादा छोड़ नहीं सकते, हम सब मिलकर उसको हमला करेंगे। तभी किमिजुकी वो डेविलिश कॉफिन ओपन कर देता है जो कि 9 सेकंड होता है, बचा रहता है 9 सेकंड। और उस कॉफिन को देख के कुल भी बोलता है हाँ मैंने इस कॉफिन को पहले देखा है, ये ऐसा ना से वियर्ड सी चीज़ है, ये मुझे लगता है मुझे एक स्टेप बैक लेना चाहिए, लेकिन वो पीछे नहीं जा पा रहा होता क्योंकि मिसु ने उसे पैर पकड़ लिया होता है। और तभी क्रोली बोलता है क्या तुम मेरा पैर छोड़ोगे? तभी मिसु बोलता है नहीं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी क्रोली बोलता है तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तभी मिसु बोलते कुछ भी हो जाए मैं अपने टीम की वजह से तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। और इधर ही यार ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। जी हाँ मुझे पता है ये वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा ही छोटा था यार, क्योंकि इसमें बस फाइट ही है। तो हाँ इसका नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से आखिरी बार का नेक्स्ट पार्ट आने के बाद ही आएगा। तो हाँ फिर मिलता है किसी वीडियो में। तिलन बाय, सी यार।